तो जैसा कि आज की रो पर हमने देखा कि हमें शील्ड जो की है पहले तो पिटती हुई दिखी, वो तो बात अलग है, बट हमें शील्ड जो की है एक टाइम पर पहले क्यों नहीं आती हुई दिखी, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पर आकर WWE के में कोई भी शील्ड का जो कि है मैच भी नहीं है, हेल इन अ सेल जो कि नेक्स्ट पेपर के होने वाला है वहां पर, और अगर बात करें WWE इस पॉइंट पर आकर क्यों शील्ड को ऐसे पिटवा रही है, पर पिटवाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं अलग के बारे में बात करूं तो WWE ने जो की है तीनों WWE के सुपरस्टार्स उनको अलग अलग जगह पर भेजा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन जो कि है वो ड्रू मैकइंटायर वाली साइड पर हो सकते थे, वहां पर शील्ड हो सकती थी या फिर शील्ड भी हो सकती थी, वो एट मैन मैच हो सकता था। और अगर WWE चाहती तो जिंदर महाल वाले मैच में सेथ रॉलिंस को पीछे खड़ा रख सकती थी, और सेथ रॉलिंस का चैंपियनशिप मैच था वहां पर, केविन ओवेंस खड़े थे तो उनके साथ WWE में कुछ अच्छा बनाने के लिए डीन एम्ब्रोस भी खड़े हो सकते थे, बट WWE ने इसे अवॉइड किया। अब इसके पीछे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कारण निकल कर आ रहे हैं। WWE को पता है कि ये जो कि तीन है हमारे टॉप स्टार्स हैं और अगर हम इन्हें टैग टीम में डालेंगे तो डेफिनेटली हम मरेंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज WWE के पास टॉप स्टार को संभालने की बहुत जरूरत है, जैसे कि उनके ऑलरेडी काफी ज्यादा टॉप स्टार जो कि है वो डेंजर में है। तो ये जो कि तीन टॉप स्टार्स हैं, WWE ने बनाया बढ़िया प्लान और तीनों को ही काफी अच्छे तरीके से दिखाया, बट लास्ट में WWE में मानता हूँ गलत कर दिया। तो अब जो की है ये साइन है कि तीनों रेसलर जो की हैं अलग अलग जो की है अपनी जगह पर लड़ने वाले हैं, तीनों का फ्यूड बिल्कुल अलग होने वाला है। शील्ड जो की है बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए जुड़ेगी नहीं, और शील्ड टूटने की भी बात निकल कर आ चुकी है। शील्ड कैसे टूटेगी तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो शील्ड टूटेगी WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच जो की होने वाला है ट्रिपल थ्रेट, जहां पर सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस यानी कि ये तीनों ही जो की है टाइटल के लिए भिड़ेंगे, जबकि टाइटल रहेगा रोमन रेंस के पास। डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस करेंगे चैलेंज, तो इस बार कोई भी हील टर्न या फिर फेस टर्न नहीं होने वाला, बट हाँ चैंपियनशिप के लिए फाइट होने वाली है। तो ये जो कि अभी पॉसिबल थ्योरी निकल कर आई है क्यों WWE ने जो कि आज की रो में ऐसा किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं आपको एक बार लिख कर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए, यहां तक वीडियो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं वर्मन।